हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन और ये मेरा ब्रेकफास्ट एरिया का जो होता है कॉफ़ी स्टेशन जो बोलते हैं, इसको ही मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। तो ये वाले ड्रॉअर में आप देखिए कितना सारा मैस पड़ा हुआ है, तो इसको ही मैं क्लीन करूँगी। तो हमारे जैसे हाउस वाइफ को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, हमारा किचन क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज रहे और देखने अच्छा लगे, तो हम सबको काफ़ी अच्छा लगता है ये सब। तो मेरे साथ भी वही है, मैं जब भी अपने किचन क्लीन और ऑर्गेनाइज रखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और ये वाला ड्रॉअर जो है मैं ज़्यादा यूज नहीं करती, इसमें मोस्टली चाय कॉफ़ी वाले ही ऐसे सामान हैं और वही यूज होता है। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर ये यूज करते हैं, वो कॉफ़ी भी बनाते हैं खुद के लिए, मेरे लिए भी बनाते हैं, बट वो वही यूज करते हैं। इस वाले ड्रॉअर को मैं उतना यूज नहीं करती, तो ये मेरे जस्ट आउट ऑफ मेरे साइट था। तो मैं जब इसको अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए गई तो देखी कि ये वाले ड्रॉअर काफ़ी अनऑर्गेनाइज है, तो मैं सोची इसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ क्योंकि ये पूरा क्लीन रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो इसके पहले मैंने इसको वाइप से अच्छे से क्लीन कर ली हूँ और मेरे पास जो क्लियर लाइनर लगा हुआ तो उसको रहने दी हूँ। उसके साथ ही एक दूसरा लाइनर लगा दी हूँ रबड़ वाला, और उसके साथ मेरे पास जितने भी फ्लेवर टी हैं इन सबको मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। और उसके साथ ही मेरे पास ग्रीन टी भी है, ब्लैक टी है और फ्लेवर टी है, और इन सबको मैं रख दी हूँ ठीक से। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्लियर ग्लास का, जो मेरे पास इसका लिड गुम हो गया है, तो लिड गुम नहीं हुआ है एक्चुअली, मैं ओवन में रख दी थी और ओवन स्टार्ट कर दी तो वो पिघल गया, तो ये वाला बॉक्स उतना यूज नहीं आता है। तो मैं फ़िलहाल मैं इसमें ही अपने कॉफ़ी वाले जितने भी पॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी पॉट रखने के ऑर्गेनाइजर आते हैं, उसको मैं अमेजोन पर देख रही थी, काफ़ी कॉस्टली है, तो जब मैं कभी परचेज करूँगी तो उसमें डालूँगी। पर अभी मेरे पास जो रिसोर्स है, जो जितने छोटे मोटे सामान है उसमें ही ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, क्योंकि जब आपके पास जो सामान है उसके साथ ही ऑर्गेनाइज कर लो कम खर्चे में तो आपको अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। उसके साथ ही मेरे पास ये स्नैक्स वाला थ्री कंपार्टमेंट वाला था, ये भी यूज नहीं होता है, तो इसमें मैं सारे अपने जो कॉफ़ी वाले पॉट्स है और ग्रीन टी है और जो ये जिंजर और लेमन वाला जो टी है ये मेरा फेवरेट है, और मैं इसको भी इसमें आगे रख देती हूँ क्योंकि ये वाले यूज ज़्यादा होते हैं। तो इन सबको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइज कर दी हूँ, तो अभी ये ड्रॉअर थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि कुछ भी मैंने जब खोल के देखा है तो आप देख सकते थे कुछ भी इसमें अच्छे से नहीं मिलता था और काफ़ी गंदा था। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने सारे जो कॉफ़ी मग्स है इसको यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि हम लोग जब लाइब्रेरी या कॉलेज जाते हैं तो अपने लिए कॉफ़ी इसमें लेके जाते हैं और यहाँ से ये निकालना आसान होगा, तो इसलिए मैं सबको इसी वाले ड्रॉअर में रख देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही जैसा कि मैं बताई कॉफ़ी बनाते हैं और वो ढूंढते रहते हैं कहाँ पर है कॉफ़ी मग और मिलता नहीं है, तो मैं उनके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे रख दी हूँ कि ये ड्रॉअर खोले तो उनको सब कुछ मिले। तो ये मेरा ड्रॉअर आप देखिए कैसा लग रहा है पहले और अभी, तो ये वाला ड्रॉअर मुझे बिल्कुल अभी अच्छे से सेट हो गया है। अभी चलते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट को क्लीन करते हैं। तो ये जो काउंटर टॉप है यहाँ पे हमेशा कॉफ़ी बनते रहता है, तो आप चाहें जितना भी क्लीन कर लो वाइप से ये साफ़ नहीं होता है। तो अभी मैं क्या की हूँ, ये क्लोरेक्स वाला जो स्प्रे होता है इससे ना ये बिल्कुल इसका दाग धब्बा जो होता है बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाता है, और मैं इसी से हमेशा यूज़ करती हूँ काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए, क्योंकि मैंने बेकिंग सोडा ये सबसे मैं क्लीन की हूँ, ये बिल्कुल क्लीन नहीं होता है अच्छे से, और मैं जब ये डाल देती हूँ तो अच्छे से क्लीन होता है। जब मैं क्लोरेक्स से अच्छे से साफ़ कर ली हूँ उसके बाद मैं दूसरे कपड़ा लेके इसको थोड़ा सा डिस लिक्विड डाल के इसको अच्छी तरह से क्लीन करके इसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, फिर मैं इस वाले स्टेशन को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करूँगी। जो भी मेरे पास सामान है, मेरे पास उतना कुछ नहीं है, बस मैं जिससे है मैं उससे ही ले कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कॉफ़ी वाले जो कॉफ़ी मेकर है उसको लगा दी हूँ, और उसके साथ ही मेरे पास एक ये रखने वाला था, इस पर मैं सोच रही हूँ कि अपना जो कैटल है इसको रख देती हूँ, इलेक्ट्रिक कैटल जो है, और इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी तो नीचे का जगह बचेगा, तो ये मैं अपना फ्रूट बास्केट उसके नीचे रख दूँगी। और उसके साथ ही मुझे बीच में थोड़ा सा जगह खाली दिखा तो मैं अपना ये एक फ्लावर वाला जो है वो रख देती हूँ, और ये मैं वॉलमार्ट से लाई थी कैंडल होल्डर उसको भी रख देती हूँ, और उसमें टी लाइट कैंडल होल्डर है, उसमें जब आप चलाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है।
और उसके साथ साथ ही यहाँ पे छोटा मोटा सा ये इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो मैं सोची अभी थोड़ा सा और इसको ये करते हैं, क्योंकि जिससे कॉफ़ी मिक्सिंग करने वाला होता है ना, इसको मैं एक छोटे से कप में डाल के इसको इस तरह से लग रख देती हूँ, तो ये देखने में अच्छा लगेगा। ड्रॉर से मैं रखा हुआ था, ड्रॉर से अच्छा है कि मैं बाहर पे रख देती हूँ, और वहाँ पे रखी तो मैं देखी फ्लावर पूरा ढक गया है, अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको मैं थोड़ा पीछे कर दी हूँ। और पीछे करने के बाद वहाँ से लेना भी आसान होगा और मेरा सारा सामान जो है विजिबल भी होगा। तो इस तरह से अभी मैं ऐसे कर दी, तो फिर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं एक कैंडल जला दी हूँ इस वाले एरिया को थोड़ा वार्म लुक देने के लिए। तो ये इस तरह से अभी दिख रहा है, और यहाँ पे जो एम बी ये पेंटिंग बनाई थी आधा भी है, अभी तो वो लास्ट वाला ख़त्म नहीं हुआ है, वो करेगी। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपना जो टू डू लिस्ट वाला जो ये है, इसको इसमें लगा के इसको यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि इसी वाले जगह पे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे कुकिंग नहीं होता है, यहाँ पे तो पूरा खाली होता है, तो यहाँ पे लिखने के साथ ही अच्छा होगा। और यहाँ पे मैं अपने बिस्किट वाले जो बॉक्स है, इसको मैं यहीं पे रखूँगी, और टी और शुगर वाले जो हैं ये मेरे पास अभी स्टेनलेस स्टील का है ये तीनों। तो मैं ये कभी कभी क्या होता है ना, चाय और टी का टी पाउडर जो होता है ना, पता ही नहीं चलता, दो एक ही बार ना दोनों खोलना पड़ता है। तो अभी मैं क्या की हूँ, यहाँ पे एक लेबल लगा देती हूँ, ताकि जिसे पता चले मुझे टी किस में शुगर किस में है। हर बारी मैं दोनों खोलती हूँ तब पता चलता है इसमें टी है इसमें शुगर है। तो अभी मैं फ़िलहाल इस तरह से लिख के इसको इस तरह से कर दी हूँ। तो आप देखिए, और आप को कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट में ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय एंड टेक केयर, सी यू विद द न्यू वीडियो। बाय फ्रेंड।